जैसा आप सभी को मालूम होगा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान की सरहद पार करके आई रघुपुरा के सचिन मीणा के पास, आजकल उनकी प्रेम कहानी पूरे देश में चर्चित है। फिलहाल दोनों एटीएस की गिरफ्त में हैं और एटीएस के अनुसार पाकिस्तान में अपना घर बेचकर सचिन के पास नोएडा आई थी सीमा हैदर। 4 जुलाई 2023 को नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को अरेस्ट किया था। ऑनलाइन गेम पबजी के अनुसार सचिन मीणा के संपर्क में आई थी सीमा हैदर और दोस्ती बढ़ने पर दोनों व्हाट्सएप पर बात करते थे। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर नेपाल आई थी और सचिन मीणा भी 10 मार्च को भारत से नेपाल पहुंच गया और 10 मार्च से 17 मार्च तक दोनों नेपाल में रहे, नेपाल के काठमांडू में रहे और 17 मार्च को सीमा पाकिस्तान चली गई और 11 मई को अपने चारों बच्चों को लेकर फिर काठमांडू नेपाल होते हुए गैर कानूनी तरीके से 13 मई को भारत आ गई। 13 मई से सचिन मीणा के साथ नोएडा में किराए के मकान पर रह रही थी सीमा हैदर। जानकारी मिलने पर रघुपुरा पुलिस ने सचिन और सीमा हैदर और सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा। तेरह मई से ही सचिन मीणा के साथ नोएडा के रघुपुरा में किराए के मकान में रहने लगी थी सीमा हैदर। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीमा हैदर का पति 2019 से गुलाम हैदर सऊदी अरब में नौकरी करता है और सीमा का पति घर खर्च के लिए 70 से 80 हजार रुपए सऊदी से भेजता था और घर खर्च के बाद में हर महीने 20 से 25 हजार रुपए सीमा बचाती थी। इसी के तहत सीमा ने 10,000 रुपए की 20 महीने की दो कमेटियां भी डाली थी। दोनों कमेटी खुलने पर उसने पैसे जमा करके 12 लाख रुपए में एक मकान खरीदा। 3 महीने बाद ही सीमा ने 12 लाख रुपए में उसे बेच दिया। सचिन के पास भारत आने के लिए सीमा हैदर ने अपना मकान बेच डाला। पहली बार 10 मार्च 2023 को टूरिस्ट वीजा पर कराची एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट और वहां से काठमांडू पहुंची थी सीमा हैदर। 17 मार्च को इसी रूट से नेपाल से वापस फिर कराची आ गई थी सीमा। 8 मार्च 2023 को सचिन मीणा नोएडा से गोरखपुर पहुंचा। 9 मार्च को गोरखपुर से बॉर्डर के जरिए नेपाल पहुंचा। 10 मार्च से 17 मार्च तक सचिन और सीमा न्यू विनायक होटल काठमांडू में साथ रहे। इसके बाद दूसरी बार 10 मई को 15 दिन के टूरिस्ट वीजे पर पाकिस्तान से अपने चार बच्चों के साथ काठमांडू पहुंची थी सीमा हैदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शातिर थी सीमा हैदर। पहले पाकिस्तान से नेपाल आई, फिर नेपाल से पाकिस्तान वापस आई, फिर दोबारा नेपाल के रास्ते भारत आ गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैन में बैठकर बच्चों के साथ नेपाल आ गई थी सीमा। 12 मई 2023 की सुबह पोखरा नेपाल से बस पकड़कर यूपी पहुंची थी सीमा। सिद्धार्थनगर से लखनऊ आगरा होते हुए 13 मार्च को एक्सप्रेसवे नोएडा पर पहुंची थी सीमा हैदर, जहां सचिन मीणा ने उसे सचिन मीणा एक्सप्रेसवे पर पहुंचा और उसके बाद वो घर पहुंची। फिलहाल सचिन मीणा के रघुपुरा नोएडा के किराए के मकान में रह रही थी सीमा हैदर। सीमा हैदर से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, 1 अधूरे नाम पते का पासपोर्ट बरामद हुआ है। भारत में गैर कानूनी रूप से प्रवेश करने के मामले में सीमा हैदर उसके 4 बच्चों पर कानूनी कार्रवाई की